नमस्कार, मैं राजकुमार और तमाम द लोकल रिपोर्ट के व्यूवर्स जो हैं हमारे और साथ ही में जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, उनको इस ईद के मौके पे ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि जो ईद आपने आज के दिन मनाई है अच्छे से मनाई होगी। बड़ा दिन था मुसलमान भाइयों के लिए कि आज ईद का दिन था। आज जो रोज़े हैं वो सारे ख़त्म हो गए हैं आज के दिन। और साथ ही में सबको पता ही है कि जो कोविड-19 का कहर है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा के साथ साथ पूरे भारत में जो है अभी कहर डाया हुआ है, जिसके चलते जो आज ईद का जो दिन था वो मनाया गया। तो उम्मीद करते हैं सब अच्छे से रहे होंगे। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे आज के दिन कोविड-19 की रिपोर्ट की, तो कोविड-19 के जो कोविड केसेस हैं जितने भी जम्मू कश्मीर यूटी में आए हैं, और आज के दिन की बात करें तो 4,356 जो कोविड-19 के केसेस हैं आज के दिन जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड हुए हैं। साथ ही में डेथ्स की बात करेंगे तो डेथ्स आज के दिन 55 कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हुई है। लगातार जो है कोविड-19 का जो प्रकोप है वो बढ़ते ही जा रहा है। कोविड-19 के जितने भी केसेस जो हैं वो दिन ब दिन सिर्फ बढ़ते ही जा रहे हैं। और हम बात करें कि अभी जो हम आपको कोविड-19 की अपडेट जो हम अभी आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बाद की अगर हम बात करें तो इसके बाद भी ओवरनाइट या लेट नाइट जो है डेथ्स का या कोविड-19 का जो सिलसिला रहता है वो जारी रहता है। अगर हम कल की बात करेंगे तो पूरी अपडेट जो सरकारी है वो हमारे पास आने के बावजूद भी उसके बाद जो है 20 डेथ्स जो है वो GMC जम्मू के अंदर होती हैं, और भी जो कोविड-19 के लगभग 80+ जो केसेज हैं उसके बाद भी हमें कोविड-19 के देखने को मिले जम्मू के अंदर। और आप सभी को पता ही है कि कोविड-19 के जो सेकंड फेस है उसके सिम्टम्स भी जो हैं अलग है, और लगातार हम आपको बताते रहते हैं। और द लोकल रिपोर्ट उम्मीद भी करता है कि आप जितने भी हैं या जितने भी जो लोग हैं जहां भी लोग हैं वो कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन जो ट्रायल चल रही है, जो वैक्सीनेशन सबको मिल रही है वो आप लगा रहे होंगे। 18+ से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है, तो उम्मीद है कि सब जो हैं इसका लाभ उठा रहे होंगे। और साथ ही में हम आज के दिन की बात करेंगे तो आज के दिन जो है 2585 जो कोविड-19 के केसेस 2585 कश्मीर डिवीज़न से आज के दिन में आए हैं, और अगर हम जम्मू डिवीज़न की बात करें तो 1771 जो कोविड-19 के केसेस हैं आज के दिन वो जम्मू डिवीज़न से आए हैं। और अगर मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपके साथ शेयर करूं कि आज किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कोविड-19 के कितने पॉजिटिव केसेस, कितने ट्रैवलर्स जो हैं आज कोविड पॉजिटिव आए हैं, तो अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, जम्मू डिवीज़न से जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है कि अभी तक जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट पूरे जम्मू डिवीज़न में नंबर 1 पे रहता रहा है कोविड-19 के चलते। और आज के दिन जो केसेस हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के 624 कोविड-19 के केसेस आज के दिन जम्मू डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 29 जो है वो ट्रैवलर्स हैं, बाकी 595 जो लोग हैं वो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लोकल लोग हैं। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 282 कोविड-19 के केसेस जो हैं आज के दिन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 28 जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं और बाकी वहाँ के लोकल लोग हैं। रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें 227 केसेस, 227 जो मामले हैं कोविड-19 के आज के दिन रजौरी डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ एक ट्रैवलर है और बाकी 226 जो लोग हैं वो रजौरी के लोकल लोग हैं। और अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट डोडा की, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में 82 कोविड-19 के केसेस, जी हाँ 82 जो हैं कोविड-19 के केसेस आज के दिन डिस्ट्रिक्ट डोडा से रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो 2-3 दिनों से आप देख ही रहे होंगे जैसे जो गट है वो कंटेनमेंट जोन बना हुआ है अभी तक डिस्ट्रिक्ट डोडा में, क्योंकि परसों के दिन में अगर हम बात करें GMC गट की, तो स्पेशली GMC गट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 180 जो है, आपको रिपोर्ट द लोकल रिपोर्ट पर पहले भी हमने दिखाई है कि वहाँ के जो वर्कर्स थे जो GMC को में काम कर रहे थे, जो GMC को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं GMC को, 180 में से 132 जो केसेस हैं वो पॉजिटिव आए हैं GMC घट में। और आज के उसके बाद की भी कुछ रिपोर्ट्स हम तक आए थे जिसमें बताया गया था कि 80+ जो केसेस हैं कोविड-19 के सिर्फ घट से आए थे। और ओवरऑल मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं आज के दिन की, तो आज के दिन जो कोविड-19 के कारण कोई भी जो है वो ठीक नहीं हुआ है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कठुआ की, तो कठुआ से 157 जो हैं कोविड-19 के केसेस आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 150 लोकल्स हैं और बाकी के जो 7 लोग हैं वो ट्रैवलर्स हैं।
इसी के साथ बात करें सांबा डिस्ट्रिक्ट की, तो 107 कोविड-19 के केसेस आज के दिन सांबा डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें कोई भी ट्रैवलर नहीं है। बात करेंगे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की, तो 80 कोविड-19 के केसेस जो हैं आज के दिन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 2 ट्रैवलर्स हैं और 78 जो लोग हैं वो वहाँ के लोकल हैं। बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, तो 94 कोविड-19 के केसेस आज के दिन पुंछ डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 15 ट्रैवलर्स हैं और बाकी वहां के लोकल लोग हैं। बात करें रामबन की, तो 43 कोविड-19 के केसेस जो हैं आज के दिन रामबन से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें 41 लोकल हैं और बाकी वहाँ के बाकी जो 2 लोग हैं वो ट्रैवलर्स हैं। रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो 75 कोविड-19 के जो केसेस हैं आज के दिन रियासी डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 1 जो है वो ट्रैवलर हैं और बाकी वहाँ के लोकल लोग हैं। ओवरऑल अगर मैं जम्मू डिवीज़न की बात करूँ, तो आज के दिन अगर ट्रैवलर्स का जो रूप रहा है, तो ट्रैवलर्स की मैं पूरी गिनती अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो आज के दिन जम्मू डिवीज़न में 85 जो कोविड-19 के केसेस हैं वो ट्रैवलर्स के हैं, और बाकी 1686 केसेस जो हैं वो लोकल्स के हैं, जम्मू डिवीज़न के, सिर्फ जम्मू डिवीज़न्स के जो लोकल्स हैं 1686 उनके केसेस आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं। और ओवरऑल मैंने आपको पहले भी बताया कि जम्मू डिवीज़न से ओवरऑल 1771 जो कोविड-19 के केसेस हैं आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं। इसी के साथ अगर हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें, तो कश्मीर डिवीज़न से श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन 872 जो कोविड-19 के केसेस हैं रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 6 ट्रैवलर्स हैं और बाकी 866 लोग हैं वो वहां के लोकल लोग हैं, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लोकल लोग हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बारामूला डिस्ट्रिक्ट की, तो 228 जो कोविड-19 के केसेस हैं आज के दिन बारामूला से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 1 ट्रैवलर है और बाकी वहां के लोकल्स हैं। बडगाम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो 288 जो कोविड-19 के केसेस हैं आज के दिन बडगाम डिस्ट्रिक्ट से रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 3 ट्रैवलर हैं और बाकी लोकल्स हैं। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आज के दिन 186 जो केसेस हैं कोविड-19 के रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 1 ट्रैवलर है और बाकी 185 जो लोग हैं वो वहाँ के लोकल लोग हैं। अनंतनाग की बात करें, तो अनंतनाग से जो हैं आज के दिन पूरे जो केसेस हैं लगभग 304 कोविड-19 के केसेस आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें कोई भी जो है ट्रैवलर नहीं है। बात करेंगे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की, तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से 118 कोविड-19 के जो केसेस हैं आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें सिर्फ 8 ट्रैवलर्स हैं और बाकी लोकल लोग हैं बांडीपुरा के। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से 92 जो हैं कोविड-19 के केसेस आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें कोई भी ट्रैवलर नहीं है। कुलगाम की बात करें, तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से 165 कोविड-19 के जो केसेस हैं आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें और कोई भी जो है वो ट्रैवलर नहीं है। शोपियान डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो 70 केसेस शोपियान डिस्ट्रिक्ट से भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें जो है कोई भी ट्रैवलर नहीं है, जितने भी लोग हैं वो लोकल्स हैं। ओवरऑल कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करें, तो 20 केसेस जो हैं कोविड-19 के आज के दिन ट्रैवलर्स के जो हैं वो कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। इसी के साथ लोकल्स की बात करें, 2565 जो केसेस हैं कोविड-19 के वो सिर्फ लोकल्स के हैं कश्मीर डिवीज़न में हैं। और ओवरऑल बात करें, तो हमने आपको पहले भी बताया कि 2585 केसेस जो हैं कोविड-19 के ओवरऑल कश्मीर डिवीज़न से आए हैं, और जम्मू एंड कश्मीर डिवीज़न दोनों डिवीज़न की मिला के बात करें, तो 4356 जो केसेस हैं कोविड-19 के आज के दिन रिकॉर्ड हुए हैं पूरे जम्मू कश्मीर से। और इसके साथ ही जो दुखद बात है मौतों की, तो 55 जो मौतें हैं कोविड-19 के चलते आज के दिन हमारे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड हुए हैं। और ओवरऑल अगर मैं मौतों का आंकड़ा आपके साथ शेयर करूं, तो ओवरऑल जो मौतें हैं अब तक लगभग 3000 मौतें जो हैं कोविड-19 के कारण जो है जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं, जिसमें अगर मैं अभी की बता दूंगी, अभी 2967 जो मौतें हैं कोविड-19 के कारण हो चुकी हैं, जिनको सरकारी जो नोटिस निकलता है उसके हिसाब से जो घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ अगर मैं एक्टिव कोविड-19 की बात करूं कि कितने एक्टिव जो कोविड-19 के केसेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, तो अभी एक्टिव जो केसेस हैं 52,848, 52,848 जो केसेस हैं कोविड-19 के इस टाइम जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल
एक्टिव हैं अस्पतालों में, ले लो घर में होम क्वारंटाइन में लोग हैं, कुछ अस्पतालों में हैं, कहाँ कहाँ जो लोग हैं अभी पूरे जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया कि 52,848 COVID-19 के केसेस अभी एक्टिव हैं, और डेथ्स की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि कितनी जो डेथ्स हैं COVID-19 के कारण हो चुकी हैं। मैं सबको बता दूँ कि जो COVID-19 जो सेकंड वेव COVID-19 की आई है, सबको पता है, अब लगातार आपके साथ सब साझा करते रहते हैं। और इसी के साथ अगर मैं डेथ्स की बात करूं तो आप सभी को हमने पहले भी बता दिया कि 55 जो डेथ्स हैं आज के दिन COVID-19 के कारण हुई है, और ये डेथ्स कहां कहां हुई है वो हम आपको बताएंगे। जो 16 डेथ्स हैं GMC जम्मू में हुई है, 2 मौतें जो हैं GMC कठुआ में हुई हैं, 5 मौतें GMC रजौरी में हुई है, 1 मौत जो है MH सतवारी में हुई है, 1 मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में हुई है, 1 मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में हुई है, 1 मौत जो है CHC सुंदरबनी में हुई है, 2 मौतें जो हैं CH उधमपुर में हुई है, 1 मौत जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुई है, 1 मौत जो है MH पठानकोट में हुई है, 1 मौत सुहाना हॉस्पिटल चंडीगढ़ में हुई है, 1 मौत अमृतसर में हुई है, 3 मौतें जो हैं वो घरों पर हुई हैं जिनको बाद में जो है हॉस्पिटल लेके आए हैं। उसी के साथ बात करें तो 3 मौतें जो हैं स्किम्स JVC बिमना में हुई हैं, 2 मौतें जो है सिकम सौरा में हुई हैं, 5 मौतें जो हैं SMHS श्रीनगर में हुई हैं, 2 मौतें जो हैं DH गांधरबल में हुई हैं, 2 मौतें जो हैं कश्मीर नर्सिंग होम में हुई हैं, 1 मौत JLNM श्रीनगर में हुई हैं, 2 मौतें CDH सोपोर में हुई हैं, 1 मौत CCC पैठकोट में हुई है बडगाम में है, और 1 मौत जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम में हुई है। ओवरऑल अगर मौतों का आंकड़ा जो है 55 जो है आज के दिन मौतें COVID-19 के चलते हुई हैं। और इसी के साथ द लोकल रिपोर्ट हमेशा आपको बताता रहता है कि जो मास्क है, मास्क का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो COVID-19 जो है वो हवा से भी अब फैल रहा है। तो इसलिए हम आपको सलाह ये देना चाहेंगे कि डबल जो मास्क हैं वो पहने रखें। और अगर आप सवाल करेंगे हमारे मास्क को लेके कि आपका मास्क कहाँ है, क्योंकि मैं लगातार देखता हूँ कि कमेंट्स में बहुत सारे लोग जो हैं वो ये लिखते रहते हैं कि आपके मास्क कहाँ है, तो मैं सबको ये बता दूँ कि इस समय जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अपने स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, और मेरे सामने जो है स्टैंड पे कैमरा है, और जो यहां पर जो पारुल दुबे और सुलिंदर जी हैं वो बिल्कुल 6-6 गज की दूरी पर हैं। और आप यूं ही बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ, और आप अपना प्यार जो है हमें यूं ही देते रहें, हमारी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप FB पे जाएं तो FB पे भी द लोकल रिपोर्ट के नाम से जो है चैनल है, वहां पर लाइक करें जाके, और पेज को अंदर खोल के लाइक करें, बाहर से वीडियो को सिर्फ लाइक ना करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं राजकुमार, नमस्कार।